हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है राइटिंग बुद्धा इस चैनल पे। सो आज देवशयनी एकादशी और मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोग बोलोगे कि अब क्या एकादशी पे भी वीडियोस बनेंगे। एकादशी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देवशयनी एकादशी जितना इंपॉर्टेंट और कोई एकादशी है नहीं। आज के दिन हमारे भगवान रेस्ट करने जाते हैं, विष्णु जी रेस्ट करने जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है देवशयनी, यानी कि गॉड इज़ रेस्टिंग। और ये 4 महीने तक वो रेस्ट करते हैं। तो जनरली हम जो भी विष्णु भगवान की तस्वीर देखते हैं तो हम उनको समुद्र के अंदर देखते हैं, शेषनाग पे लेटे हुए, लक्ष्मी जी उनके पैरों के पास होती हैं। वो इसीलिए वो इसी समय को दर्शाता है जो अगले 4 महीने वो इस मुद्रा में रहते हैं। तो इसका बहुत से स्पिरिचुअल वर्जन्स भी हैं, इसके बहुत से साइंटिफिक वर्जन भी हैं और बहुत से एंशिएंट हिस्ट्री बोल लो या मिथोलॉजिकल वर्जन्स भी हैं। तो एक तो ये है कि भगवान इसलिए जाते हैं जो कि एक स्पिरिचुअल नेचर हो गया। सेकेंडली अगर आप इसको बोलें लेजेंड्स के हिसाब से, तो बोलते हैं कि बाली राजा ने जब वामन अवतार आए थे तो वामन ने उनसे मांगा कि आप मुझे क्या दोगे भिक्षा में, और बाली राजा ने अपना सब कुछ दे दिया। उससे खुश होके पाताल लोक वामन अवतार जो विष्णु जी के थे, उन्होंने ये बाली राजा को गिफ्ट में दिया कि ये पाताल लोक अब से तुम संभालोगे। इतना खुश हो गए वो, उन्होंने कहा कि देव लेकिन आपके रक्षा के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, तो आप कृपया मेरी रक्षा करने आया करिए। तो विष्णु भगवान ने बोला कि भाई मेरे को तो बहुत कुछ संभालना होता है, तो मैं हमेशा तो तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास हर साल 4 महीने के लिए आऊँगा। तो वो 4 महीने ये जो है कहा जाता है कि विष्णु भगवान वहीं जाते हैं। अब आज ही से एक और एकादशी आती है 4 महीने बाद, जिसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी, यानी कि देव वापस से उड़ गए, यानी कि विष्णु जी वापस से पाताल लोक से अपने उस श्री सागर में जो यौगिक मुद्रा है उससे वापस लौट के आ जाते हैं। इस 4 महीने को चातुर्मास बोला जाता है और जनरली इसी समय में हमारा रेनी सीजन चल रहा होता है। अब ये जगन्नाथ यात्रा के तुरंत बाद आता है, हमने जगन्नाथ यात्रा पे भी वीडियो बनाया था, और आज ही के दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है, और आज ही के दिन से पंढरपुर यात्रा भी आरंभ होती है, जो कि बहुत बड़ी यात्रा है महाराष्ट्र में। विट्ठल भगवान जो कि विष्णु जी के एक अवतार हैं, उनकी भी काफ़ी पूजा की जाती है। कुल मिला के होता यह है कि इन्हीं 4 महीने में, क्योंकि भगवान अपनी योगिक मुद्रा में है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कितना भगवान को सेलिब्रेट कर पाएँ। तो हम लोग इसी समय हिंदुओं के सभी बड़े फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, श्रावण, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, नवरात्रि, सोमवार के व्रत, सब कुछ इसी दौरान ही आता है। और इस दौरान बोला जाता है कि आप कुछ और सेलिब्रेट ना करें, जैसे कि शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, बच्चों का मुंडन हो गया, कोई भी सांस्कृतिक या कोई भी ऐसी परंपरा वाली चीज़ें ना करें। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हम सभी को मालूम है कि बारिश के दौरान बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, या बारिश के दौरान, फ्लड के दौरान हालत इतनी ख़राब होती है कि कोई चाहता नहीं घर से निकले, क्योंकि सबको वायरल फीवर हो सकता है, सबको बुखार हो सकता है। इसके लिए भी एक ये कारण है कि ऐसा बोला जाता है कि आप कोई भी इवेंट ना करें। दूसरा साइंटिफिक रीज़न इसका ये है कि इस समय क्योंकि नेचर बहुत क्लाउडी होता है, तो हमारे धरती पर सन और मून की एनर्जी उतनी नहीं आ पा रही होती जितना हमें बाकी समय मिलती हैं। अब वो एनर्जी नहीं आ पा रही, इसका मतलब ह्यूमन एनर्जी भी डाउन होती है। तो इसके लिए बोला जाता है इस तरीके के इवेंट फंक्शंस में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। अब आप बोलोगे फिर त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो मैं बताऊँ हम लोग त्यौहारों को काफ़ी ओवरडू करते हैं, जबकि त्यौहारों में कुछ नहीं करना होता, ध्यान लगा के आपसे भगवान के सामने बैठना होता है, पूजा करनी होती है, सब अपने घरों में हो सकता है कि उसके लिए आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा चकाचौंध की ज़रूरत नहीं होती। ये सब तो पटाखे वटाखे हमने बना दिए हैं, दही हंडी इस तरीके से बनाना ये सब तो हमारी तरीके हैं, तो ये सब भगवान नहीं बोलते हैं। अगर आप पढ़ें तो कहीं नहीं बोला जाता कि आप इतना सेलिब्रेट करें, आप नॉर्मल दीप जला के और ये सब अपने घर से ही कर सकते हैं। इसका तीसरा रीज़न एक और है कि बोला जाता है कि भाई हम ऐसे इंसान, हम लोगों को बाकी इंसेक्ट्स, बाकी पशु पक्षियों की भी इज्जत करनी चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे बुद्धिज़्म में भी बोला जाता है, उन मॉन्क लोगों का एक फंक्शन होता है, इस दौरान वो लोग बहुत लंबे समय तक आश्रम में रहते हैं और उसके बाद छोड़ के वो लोग जब ये समय ख़त्म हो जाता है तब वहाँ से वापस निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मॉन्क इस समय ट्रैवल करेंगे तो होगा ये कि उनके पैरों के नीचे इंसेक्ट आके मर सकते हैं, तो वो ऐसा ना हो इसके लिए भी बोला जाता है कि मॉन्क लोग भी अपने घर में बैठे, और हम लोगों को भी कहा जाता है कि ज़्यादा बाहर ना निकलो ताकि हम भी ऐसे चीज़ों में ना फंस जाएं। और अगर आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा श्रावण का व्रत और चातुर्मास का व्रत या सेक्रीफाइसेस लोग करते हैं इस समय, खास करके लोग फूड भी फास्टिंग करते हैं, काफ़ी चीज़ों की फास्टिंग करते हैं, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। रीज़न वही है कि जब नेचर हम लोगों को इतना हेल्प नहीं कर रहा होता और मानसून के आने की वजह से इतनी डिसीजेस हो रही होती हैं, तो हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखें, कैसे अपने सिस्टम को सही रखें। तो आप जितना फास्ट करोगे, जितना अच्छा खाना खाओगे, जितना नॉनवेज से दूर रहोगे इस दौरान, तो आपके लिए अच्छा होगा। ये भी एक साइंटिफिक रीज़न भी है और स्पिरिचुअल रीज़न भी है। अब इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ है जो है श्रावण। अब क्योंकि विष्णु जी तो अपने योग निद्रा में चले गए,
तो दुनिया को चलाएगा कौन? तो इस समय विष्णु शिव जी अपना भार लेते हैं कि भाई मैं करूँगा, और शिव जी आते हैं पिक्चर में। इसीलिए श्रावण मनाया जाता है, और इसीलिए हम लोग श्रावण इतने धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि शिव जी भोलेनाथ हैं, और अगर आप उनसे कुछ मांगो तो मनोकामना जल्दी पूरी कर देते हैं। इसके लिए श्रावण का व्रत लोग रखते हैं इतना पैशन से, और मैं भी पिछले साल से रखना चालू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है, उस पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़िएगा मेरा एक्सपीरियंस। इस साल भी मैं श्रावण को फॉलो करने वाला हूँ, अंडा छोड़ रहा हूँ और नॉनवेज नहीं खाऊंगा। अब ये भी एक हमेशा पूछते रहते थे ना, ऐसा क्यों करते हैं, क्या भगवान बाकी दिनों में नहीं होते क्या जो हम इसी समय इतना फॉलो करते हैं? रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हम सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके, सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसी से हम अपने आत्मा से जुड़ रहते हैं की कोशिश करते हैं, और आत्मा से थ्रू ही हम अपने परमात्मा से मिल पाते हैं। रास्ता सब इंटरनल है, एक्सटर्नल कुछ है नहीं, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं, स्पिरिचुअल साइड हमेशा बोलता है, ये भी एक फैक्टर है। तो इस समय शिव जी की लोग ज़्यादा पूजा करते हैं, तो आप भी करिए, श्रावण का व्रत अगर आप कर सकते हैं तो करिए, श्रावण के कुछ सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं तो करिए। चातुर्मास में ध्यान रखें कि आप कोई गलत एक्टिविटीज़ ना करें, सभी त्योहारों में सही तरीके से उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ना कि पटाखे फोड़ के और गलत गलत चीज़ें करके। तो कुल मिला के यही था जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता था कि देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है। मैंने तो व्रत रखा है, उम्मीद है आपने भी रखा होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत धीरे ग्रोथ हो रही है, थोड़ा आपके मेहनत से, थोड़ा आपके सपोर्ट से थोड़ा फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।